स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्रारी मुंबई में। मेरा नाम है नूर। दोस्तों आज हम हैं मुंबई के चिता गेम इलाके में। दोस्तों हमारे साथ है चिता गेम की बड़ी जानी मानी हस्ती, बहुत ही फेमस हस्ती, शादी वाले अहमद भाई। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ साल पहले इन्होंने गरीब लड़कियों की जो है फ्री में शादी करवाई थी और यूँ ही ये काम इन्होंने यूँ ही नहीं छोड़ दिया। इसके अलावा भी चिता गेम में जो है शादी वाले अहमद भाई जो है चर्चे में बहुत आ रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो है अहमद भाई की वीडियो जो है वायरल होती नज़र आ रही है। और जो है इनका जो एम है चिता गेम के गटर को जो है साफ़ रखने का जो है इनका जो एक एम है और इसके पीछे क्या कारण है आज हम अहमद भाई से खुद जानेंगे कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। स्वागत है अहमद भाई आपका प्रहारी मुंबई में। थैंक यू अहमद भाई। हमने आपका वीडियो देखा कि आप बहुत ही मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जो है लोग आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश है और इसके पीछे क्या कारण है अहमद भाई कि आप ये साफ़ सफाई के काम की जिम्मेदारी आपने अपने सर पे क्यों उठाई है? मैं ना आमिर खान की डायलॉग से मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा। रंग दे बसंती में ना आमिर खान ने डायलॉग मारा था, जिंदगी जीने का दो तरीका है। अच्छा। या खामोश हो जाओ और देखते रह जाओ। अगर गंदगी को सफा करना है, एरिया को साफ करना है तो अपनी जिम्मेदारी कांधे पर उठाओ और काम को स्टार्ट करो। तो मैंने वही काम किया कि मैं देख के खामोश नहीं रहा, अपनी जिम्मेदारी समझा, चिता गेम को सफाई करना, गंदगी सफा करना, तो वहाँ से मैं काम चालू किया। और बात क्या नहीं किया, ये चिता गेम में MGR रोड के अंदर ना हम उन्होंने बरसात के मौसम में ना, ये बरसात के मौसम में थोड़ी बरसात जाती थी ना तो गटर का पूरा पानी ना बाहर आता था, गंदा पानी आता था और उसी गंदे पानी से, गटर पानी से ना हम लोग ना चल के ना अपने घर पर जाते थे, उसी गटर पानी चलते चलते ना हम लोग मस्जिद में जा रहे थे। वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जिम्मेदारी कौन करेगा, ये कौन कर रहा है, मतलब इलाके में कोई है ही नहीं करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। तो मैंने उस दिन से ना ये कसम भी खाया है और इरादा भी किया है मैंने कि चिता गेम को कम से कम ना गंदगी मुक्त तो बना के छोड़ूंगा मैं। तो मतलब चिता गेम के लिए एक मसीहा मतलब एक बन के आप आ गए हैं कि मतलब लोगों का ये कहना था कि मतलब गटर जो है, नाली जो है चिता गेम में कभी साफ हुई नहीं, तो आपने इसका बेड़ा उठा लिया, बहुत ही अच्छी बात है। अहमद भाई एक और सवाल था कि आप कौन सी पार्टी से लड़ने वाले हो? मैं फिलहाल में कोई पार्टी के अंदर ज्वाइंट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ पब्लिक अगर जनता अगर ये ना सपोर्ट करती, जनता सेवा करने का मौका दे रही है, पहले भी तो मैं सेवा कर रहा हूँ, अगर यहाँ की चिता गेम की जनता अगर चिता गेम की आवाम का सेवा करने का मौका देती है तो इंशाल्लाह देखेंगे। फिर अभी तो कोई इरादा नहीं है मेरा कि पार्टी ज्वाइन करने का, देखेंगे इलेक्शन के पेपर देखेंगे, लेकिन जिम्मेदारी उठाने का काम किया हूँ, जिम्मेदारी उठाऊँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छी बात है अहमद भाई। अहमद भाई चिता गेम के जो है 40 साल से जो है चिता गेम के जो नेता है गटर और नाली और पानी पे ही राजनीति कर रहे हैं, आप क्या नया सोचे हो, आप क्या करने वाले हो चिता गेम के लोगों के लिए, नया क्या चीज़ है जो मतलब आप करके देने वाले हो चिता गेम के लोगों को? नहीं एक्चुअली ना नहीं, चिता गेम के अंदर अगर किसी ने अगर गंदे ना कचरे के लिए, नाले के लिए कुछ सियासत किया रहेगा, लेकिन मुझे चिता गेम के नाले के लिए, चिता गेम सफाई के लिए सियासत नहीं करनी। हर बार तो वोटिंग के टाइम पे जो है नेता लोग आते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे गटर को साफ करेंगे, लेकिन बस वो इलेक्शन के वक्त तक ही मतलब वो उनके वादे रहते हैं और इलेक्शन जब जीत जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वो भूल जाते हैं कि कौन चिता गेम के लोग, कौन हमें वोट दिया था, सब खत्म हो जाती है। तो आप भी मतलब ऐसा इलेक्शन के वक्त तक के आप करने वाले हो या मतलब इलेक्शन के बाद भी आप इसको कंटिन्यू रखेंगे? मतलब नहीं, लोगों ने इसकी सियासत किया रहेगा, मैं इसको सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद गटर सफा कर रहा हूँ, मैं खुद गटर के अंदर उतर के सफा कर रहा हूँ। मतलब मकसद है ना, गंदगी सफा करना है ना मकसद है, अभी सियासत नहीं है और सियासत मुझे करना ही नहीं है, काम करना है, प्योर काम करना है। चिता गेम को ना आज ना चिता गेम जरूरत लोग, क्योंकि हमारे पास जो भी है ना वो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग नहीं है और मैं चाह रहा हूँ कि तो छोटे बन जाऊँ। अच्छा। छोटा बन के कुछ काम कर लूँ बोल के रहता हूँ। अहमद भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो सोशल वर्किंग का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई रुकावट आई रहेगी, कोई दबाव आया रहेगा, मतलब आप कोई BMC से काम करवाते रहेंगे, कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन के भाई इसका काम मत करो, ऐसी कुछ मसले आए आपके आपके साथ में, ऐसे कुछ हादसे पेश आए? नहीं इंशाल्लाह, मैं 2000 ना 2000 कम से कम है ना 2006 से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है आज तक मेरे पर ऐसा कोई दबाव नहीं आएगा, कोई दबाव नहीं है। मैं जितना काम करता हूँ मेरे को यहाँ पर जनता का सपोर्ट भी है और आगे से भी, ये मेरे को BMC जो है ना वो ऑफिसर लोग भी अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं और उन्होंने ना जब मैं फ़ोन करता हूँ जो काम के लिए बोलता ना लोग काम भी करके दे रहे हैं, मेरे कोई दबाव नहीं है, मेरे को मैं तो अपनी जनता का थैंक यू बोलूँगा, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। वेरी गुड अहमद भाई, कैसा है कि चिता गेम के लोग जो है और भी चीज़ों के मतलब जो है उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे जो बीच एक ऐसा ज़िम्मेदार नेता आएगा जो हमारे बच्चों की एजुकेशन हो गई, जो है साफ़ सफाई हो गई और जो है नशा मुक्त को लेके जो है चिता गेम के जो पेरेंट्स लोग हैं बहुत सारे जो चिंतित हैं, तो नशे को लेके आपके बारे में क्या आप मतलब क्या सोचते हो नशे को लेके कि नशा ये चिता गेम में 100% कब तक के बंद होगा और आप अगर जीतते हो इलेक्शन तो आप इसे किस तरीके से रोकोगे?
नहीं राहिल, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, मैं दो साल है ना कंटिन्यू है ना नशा मुक्ति अभियान के लिए मैं लड़ा हूँ, फाइट किया हूँ। और जिस टाइम मैं काम कर रहा था नशा मुक्ति अभियान के लिए ना, तो कम से कम ना 50-60% खत्म हो गया था। लेकिन इसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं किया। अब ऐसा लगता है कि वापस ना चिता के में नशे का नशा चलन बढ़ गया है, चिता के में नशे का काम भी करना होगा, जिम्मेदारी है, चिता के में जिम्मेदारी है भी कि चिता के में नशे के लिए भी काम करना होगा, नशा खत्म करना होगा। बच्चे यहाँ पर नस्ल बर्बाद हो रही है, उसके लिए सोच के ना एक अच्छा कदम लेना पड़ने की जरूरत है इसकी। तो चिता कैंप के लोगों के लिए मतलब आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपको सपोर्ट करे तो क्यों करे आपको सपोर्ट, और मतलब आप चिता कैंप के लोगों के लिए और क्या क्या करने वाले हो कि मतलब जिससे वो आपको वोट दे? नहीं, मेरी कोशिश तो ये है कि पहले अपनी जिम्मेदारी तो निभा लूँ। मैं वोट तो बाद में हूँ, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारी तो निभा लूँ, 100% अपना परफॉर्मेंस तो दूँ मैं। लेकिन ऐसा है कि जैसा कि ये साल जो ऐसा हुआ है ना कि इलेक्शन के पहले से ही मतलब माशाल्लाह से कि कुछ लोग जो है सोशल वर्किंग में उतरे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोशल वर्कर जो इतनी बड़ी जो है तादाद में जो है काम करने लगे हैं। जैसा आप जैसे लोग हैं, आप भी होंगे कि इतने गटर का जो इस गटर की जो साफ़ सफाई का जो काम है पहले किसी नेता ने नहीं किया, कुछ लोग ने किया था बहुत पहले, लेकिन अब जो है 10-15 साल से किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया। तो मैं अप्रिशिएट, हमारी प्रारी मुंबई की तरफ से मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ आपको इस काम के लिए। तो आप जो है चीता कैंप के लिए, अहमद भाई मैं एक और बार फिर पूछूंगा कि नई चीज़ क्या आप करने वाले हो चीता कैंप के लिए, जीतने के बाद में क्या करने वाले हो, क्या सोचे हो आप चीता कैंप के लोगों को, आप मतलब क्या देना चाहते हो आप चीता कैंप के लोगों को, चीता कैंप की नवी जो पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या करेंगे? नहीं दोस्तों, पहले आप क्लियर करता हूँ, मैं इसी बस्ती में पैदा हुआ, इसी बस्ती का मैं जवान हुआ, इसी बस्ती का ऐसा लग रहा है कि मैं बुढ़ापा भी होने वाला हूँ। तो मैं सोचता हूँ ना कि मैं चीता कैंप की अपनी जिम्मेदारी निभा कर ना, मेरा जितना हो सकता है योगदान, मैं जिम्मेदारी चीता कैंप में जो प्रॉब्लम अगर सामने आई मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको मैं क्रिएट करूँ, उसका सामना करूँ और प्रॉब्लम बढ़ने ना दूँ और प्रॉब्लम को वहाँ से खत्म करूँ। लोगों को क्या यानी कि उसको मुसीबत को बढ़ाना है, झगड़ा करना है, फसाद करना है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी नस्ल को बचाना है। जैसा तुमने बोला नशा मुक्ति अभियान, उसमें काम करने का इरादा है, और चिता कैंप में जो ना अडानी का जो राइट बिल का है उसमें मेरा इरादा है काम करने का। और तीसरा है कि एजुकेशन की फील्ड में अभी आज के तारीख में ना बच्चे लोगों ने स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे, पेरेंट्स स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, मेरी कोशिश उसमें भी, मेरा वर्कआउट चालू है, हो सकता है कि दो महीने के बाद ना वो काम भी मैं स्टार्ट करूँगा, जो नशा बच्चों की फीस के बारे में मैं काम चालू करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो, अल्लाह अगर मुझसे काम लेना चाहे तो इंशाल्लाह वो भी करूँगा इंशाल्लाह। अभी क्या नहीं, 15 दिन पहले ना ये यहाँ पर एक दिखा देना, ये 15 दिन पहले ना मैंने इसके बारे में ना मतलब एक वीडियो दिखाऊँ आपको, देख लेना वीडियो, उसमें ना देखा कि 8 फीट ना गहरा है, 8 फीट गहरा है, तो इसके अंदर ना बच्चा अगर कभी गिर गया ना चिता कैंप का बच्चा, कोई मासूम बच्चा गिरता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि वापस जिंदा आ जाएगा वो, उसकी मौत के अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं 15 दिन से ऑफिसर के पीछे पड़ा हूँ, और मैं थैंक यू बोलूँगा हमारे असिस्टेंट BMC के असिस्टेंट जो मैनेजर है अनिस खान है, 3 बार कंटिन्यू अपना रे काले साहब को ना 3 बार कंटिन्यू बोले ये कर ले, लेकिन काले साहब है ना 15 दिन से टाल रहे कि मैं आज करता हूँ कल करता हूँ, लेकिन फिर भी आज मेरी मुलाकात हुई, मैं आज वहाँ से ही आया हूँ मैं अभी, तो वह प्रॉमिस करें कि मैं कल मैं आके ये करता हूँ, तो इंशाल्लाह ये कल होएगा ना ये, तो मैं इसके वीडियो बना के मैं वापस आपको दूंगा, मैं आप देख लेना इंशाल्लाह कल इसका काम होगा। एक चीज़ जो है चिता कैंप के लोगों को परेशान कर रही है कि वार्ड नंबर 143 और 145 ठीक है, दोनों के कॉरपोरेटर जो है एक्टिव नज़र आते हैं बैनरों पर ठीक है, लेकिन फिर भी जो है काम के लिए आपको फ़ोन आ रहा है। हाँ, वार्ड नंबर 143 से भी आपको कॉल आता है, वार्ड नंबर 145 से भी आपको कॉल आता है, इसके पीछे क्या कारण है अहमद भाई? नहीं ऐसा है ना कि भाई कि जब आप काम करने लगो ना मैदान में उतर के, जब फील्ड में काम करते हो ना, तो बहुत सारे लोगों की उम्मीद आपसे जगती है और चाहते हैं कि हमारा छोटे छोटे प्रॉब्लम है ना यही सॉल्व कर सकता बोल के। तो वाकई सच बात है ये कि मैं अभी रात को ना सोता हूँ ना, अब घर के अंदर जाता हूँ ना मैं, तो मुझे इतने कॉल आते हैं ना कि भाई मैं 20 सेक्टर के अंदर ये गली ख़राब हो, हम अपने ये चौकों पे आगे सही करो, हम अभी 20 सेक्टर में ना कम से कम 3-4 गली का मैंने काम करके आए हैं, 20 सेक्टर का काम करें, लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है। और बात ये ना दोनों काउंसलर की बात है ना भाई, मैं दोनों काउंसलर को ना बहुत बेहतर समझता हूँ, क्योंकि ना ये ना एक काउंसलर नहीं है, ये MP है, ये MP का रोल अदा कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ इनको MP बन जाने दे, अल्लाह इनको MP बना दे, काउंसलर जिम्मेदारी को और संभालेंगे, हम लोग संभालेंगे काउंसलर जिम्मेदारी, आप MP बन जाइए, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है कि काउंसलर अभी गटर का काम था सालों से नहीं कर रहे, तो आप MP आप काउंसलर बनना चाहते हैं, काम ही नहीं करना चाहते, तो आप MP बन जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये इंटरव्यू देख लिए हो तो कुछ आपके काम में रुकावट डालेंगे वो, हाँ ऐसा भी हो सकता है ना?
नहीं तो अच्छा था, मेरे को तो उस दिन खुशी हुई कि मेरे काम पे आके रिकॉर्ड डाले। अभी तक कोई डाल नहीं रहा है, मैं एक टेंशन में हूँ, कोई डालता क्यों नहीं बोल गया कोई अभी तक टेंशन डालता नहीं, अभी तक कोई परेशानी नहीं आई मुझे। चलो चलो, हमारा साथ है अहमद भाई, आप जैसे लोगों के साथ में जो काम करने का, जो आप जो चीता कैंप से हम लोग भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, तो हमारा जो एक ये एम है, हमारी जो नई जो पीढ़ी है उसका ये एम है कि चीता कैंप को जो है साफ सुथरा रखना। ठीक है, पहले के लोग जो है जो भी करके गए, लेकिन हमारी जो जो सोच है, आप जैसे लोगों की जो सोच है कि चीता कैंप को साफ सफा रखना, ठीक है, नशा मुक्त अभियान जो है वो चालू रखना चीता कैंप में, और जो है क्राइम को जो ख़त्म करना हमारी सोच ही है चीता कैंप के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे अहमद भाई, शादी वाले अहमद भाई, जो बड़े ही चर्चे में है चीता कैंप के। चीता कैंप में जो है फेसबुक यूज़ करता है चीता कैंप में, जो उन तक ये जो है वीडियो पहुँचा होगा अहमद भाई का, और इन्हें अप्रिशिएट करिए। ऐसे काम करने वाले जो है बार बार नहीं आते चीता कैंप में, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पैसा लगा के जो है लोगों की खिदमत करने के लिए आगे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद भाई आपका प्रारी मुंबई में बातचीत करने के लिए, कि जनता आपको अहमद भाई का काम कैसा लग रहा है, और अहमद भाई से आप क्या क्या करवाना चाहते हो, और क्या क्या उम्मीद लगा के बैठे हो अहमद भाई से, जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो।